भूषण ज्वेलर्स, अनमोल रिश्तों के लिए। दिस न्यूज इज स्पॉन्सर्ड बाय मेहतारी ब्यूटी सोप। चंबा जिला के खजियार में आजकल देखा गया है कि हर गांव में बंदरों का आतंक लगभग बढ़ता जा रहा है। बंदर लोगों के घरों में घुसकर और लोगों के खेतों में घुसकर उनकी फसलों को बर्बाद कर रहे हैं, घरों से सामान को उठाकर ले जा रहे हैं। ऐसी स्थिति में गांव के लोग कुछ नहीं कर पा रहे हैं। हालांकि सरकार द्वारा इन बंदरों के वैक्सीनेशन के लिए अलग अलग स्तर पर कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, लेकिन वह नाकाफी साबित हो रहे हैं। कई क्षेत्र तो ऐसे हैं जहां पर लोगों ने फसलें उगाना तक बंद कर दी है। इसी चीज को ध्यान में रखते हुए तमिलनाडु कोयम्बटूर की एक ऑर्गेनाइजेशन जिसका नाम वाइल्ड लाइफ इंफॉर्मेशन लाइजन डेवलपमेंट है, इस ऑर्गेनाइजेशन ने कुछ ऐसे फलों के पौधों को चुना जो लोगों के आवासीय क्षेत्रों के आसपास के जंगलों में लगाए जा सकते हैं। उन्होंने ये पाया कि जंगली जानवरों का और बंदरों का आतंक इसलिए भी ज्यादा बड़ा है क्योंकि उन्हें जंगलों में कुछ भी खाने को नहीं मिल पा रहा। इसलिए क्यों न जंगलों में कुछ ऐसे फलदार पौधे लगाए जाएं जो उनका पेट जंगलों में भर दे और ये जंगली जानवर गांव और खेतों का रुख ना करें। इस ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वाले और हिमालय लंगूर पर रिसर्च कर रहे रिसर्च विशाल आहूजा ने खजियार के आसपास के क्षेत्रों के लिए खजी नाग सेवा समिति से संपर्क साधा और खजियार की खजी नाग मंदिर कमेटी के सचिव जितेंद्र शर्मा व विशाल आहूजा ने मिलकर जगह को सुनिश्चित किया और उसके बाद खजी नाग सेवा समिति के सभी युवाओं ने मिलकर आज खजियार के टेरिटोरी क्षेत्र में करीब 300 पौधे लगाए। खजी नाग सेवा समिति हमेशा से ही खजियार के लिए अलग अलग संस्थाओं, निजी स्तर पर और विभिन्न विभागों से मिलकर खजियार के विकास कार्यों पर और जागरूकता अभियानों पर काम करती आ रही है। ये सेवा समिति 25 से अधिक लोगों का एक बहुत बड़ा समूह है। आसपास के जो विलेजेस हैं उनमें पीसफुल कोएग्जिस्टेंस के लिए काम कर रहा हूँ, लंगूर कंजर्वेशन के लिए काम कर रहा हूँ। उसी पर्पस पे जो हमारी जो प्रीवियस स्टडीज हैं उसी के ऊपर बेस्ड ये हमारा अभी का जो रिसेंट जो हमारा प्रोजेक्ट चल रहा है। हम यहाँ इस प्रोजेक्ट में हम क्या कर रहे हैं कि जो डिग्रेडेड फॉरेस्ट हैं उनको हम एनरिच कर रहे हैं वाइल्ड जो फ्रूट स्पीसीज हैं उनके थ्रू, ताकि जो वाइल्ड एनिमल्स हैं उनको फॉरेस्ट में कुछ खाने को मिल जाए। अदरवाइज क्या हो रहा है कि ये वाइल्ड एनिमल्स जो हैं जंगल से बाहर आके लोगों की क्रॉप्स को रेड कर रहे हैं और उसकी वजह से जो नेगेटिव इंटरेक्शन जो डेवलप हो रहा है लोगों के बीच में और वाइल्ड एनिमल्स के बीच में उसको हम कम करना चाह रहे हैं। इसी प्रयास में मैं लोगों से पर्सनली भी वन टू वन कम्युनिकेट कर रहा हूँ कोविड प्रोटोकॉल्स को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि हम वर्कशॉप्स नहीं कर पा रहे हैं। और इसी दौरान मेरा मिलना यहाँ खजियार कमेटी के अध्यक्ष जो हैं जितेंद्र पंकज शर्मा जी, उनसे मेरा मिलना हुआ और उन्होंने बताया कि वो भी हमारे साथ सहयोग करने के लिए तैयार हैं। मैंने वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट चंबा, टेरिटोरियल डिपार्टमेंट चंबा, उनसे रिक्वेस्ट की। उन्होंने हमें जो वाइल्ड फूड जो स्पीशीज़ हैं यहाँ की जो नेटिव स्पीशीज़ हैं वो हमें प्रोवाइड करवाई हैं। तो आज हमने करीब इनके सहयोग से ये जो यूथ यहाँ का खजियार का जो यूथ है, मंदिर कमेटी का जो यूथ है, इनके सहयोग से हमने यहाँ पे आज 300 पौधों के करीब यहाँ प्लांटेशन की है और हम आशा करते हैं कि ये पौधे बहुत अच्छी तरह से तैयार होंगे और ऑब्वियसली हमें एक्सपेक्टेशंस है कि ये पौधे तैयार होंगे और जो यहाँ पे जो मंकी मिनस है, जो रेडिंग प्रेशर है वो लोगों की फार्म्स में से उठ पाएगा और आने वाले कुछ समय में, कुछ सालों में हम पीसफुल कोएग्जिस्टेंस की तरफ हम आगे मूव आउट करेंगे। तो इसी तरह का हमारा प्लान और भी विलेजेस में है जो खजियार के आसपास की विलेजेस में है, जिसको हम धीरे धीरे आगे करते जाएंगे। जैसे ये कोविड का सिचुएशन ठीक होता है हम वर्कशॉप्स वगैरह करना शुरू करेंगे और उसमें वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट हमारा और टेरिटोरियल डिपार्टमेंट ये हमारा बहुत सहयोग कर रहा है, बहुत सहयोग कर रहा है। थैंक्स अ लॉट, थैंक यू। कमेटी
का सेक्रेटरी और खजीनाग सेवा समिति, हम लोगों ने यूथ में से भी जो हमारे साथ लड़के हैं, इन सब लोगों ने मिलकर एक समिति तैयार करी है जो खजियार की डेवलपमेंट के लिए काम करती है। बेसिकली अपने पैसे कलेक्ट करके हम लोग काम करते हैं, कई बार हमने सोशल मीडिया पे कई बार डाला है ऐसी चीज़ों के लिए। तो विशाल जी से पुराने संबंध है, इन्होंने मुझसे डिस्कशन किया कि कुछ इस करके हमारे पास कुछ ऐसे फ्रूट्स के पौधे हैं जो हम लगाएंगे, और इन्होंने ये कहा कि जो मंकी हैं वो जो हैं वो लोगों के खेतों में घुस रहे हैं, घरों में घुस रहे हैं, बिकॉज उनको जंगलों में कुछ नहीं मिल रहा खाने के लिए। तो मैंने अपनी सभी जो मेरी टीम है इन सब लोगों से मैंने डिस्कशन करा कि क्या हमें ये करना चाहिए। तो हम लोगों ने एक पर्टिकुलर जो जगह है उसको हमने आइडेंटिफाई किया, विशाल जी के साथ हम लोग यहाँ पे आए। आइडेंटिफाई करने के बाद हमें लगा कि ये स्पेस जो था यहाँ पर जो पेड़ थे वो टोटली बर्फबारी के दौरान गिर चुके थे, तो एक स्पेस खाली था हो चुका, और अब वैसे भी हमारे गांव के नज़दीक था, तो हमें लगा क्यों ना यहाँ पर हम ये अखरोट जो ये स्पीशीज भी है, हमें आड़ू हो गया, अखरोट हो गया, गूं जिसे हम अपनी लोकल भाषा में कहते हैं वो हो गया, इसके अलावा दाड़ू हो गया, कैंथ जिसे हम लोकल भाषा में कहते हैं, तो इस तरह के बहुत सारे पेड़ जो हैं वो इनके पास इन्होंने मुहैया कराए। हम इनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं कि इन्होंने हमें इनकरेज किया यहाँ आके, और हम लोगों ने सोचा हम लोगों ने सब मिलके कि क्यों ना यहाँ पे ये पेड़ लगाएं, ताकि जितने भी बंदर हैं जो भी ये जंगली जानवर गाँव की तरफ रुख कर रहे हैं वो ना जाएं, उनके पेड़ जो हैं वो एटलीस्ट जंगल में ही भर जाएं और वो हमारी जो फसलें बर्बाद हो रही हैं वो ना हो। तो सारी टीम के साथ डिस्कशन हुआ, हमारे सभी युवा बहुत ही एनर्जेटिक हैं ये सभी लोग, और जितने भी ये लोग हैं ये सभी ऑलवेज खजियार के लिए काम करने के लिए हमेशा आगे रहते हैं, तो इन्होंने कहा कि ठीक है हम लोग करेंगे मिलजुल के। तो आज 300 के करीब हम लोगों ने पौधे लगाए हैं, तो ये अचीवमेंट अब इसकी देख रेख हम लोगों को करनी है। मैं खजियार के लोगों से भी अपील करता हूँ कि प्लीज़ वो जो हैं वो अपने जो उनके मवेशी हैं उनको वो ध्यान से लेकर जाएं ये इन पेड़ों को लगाने के लिए। सभी लड़कों ने बहुत मेहनत की है, और विशाल जी और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एरिया जो है वहाँ पर तो हमें परमिशन नहीं, बट एनी हाउ जो जहाँ पर हमें टेरिटोरी एरिया में हमें परमिशन थी जैसा विशाल जी ने डिसाइड किया था सभी लोगों से बात करके, तो हम उनके भी बहुत बहुत आभारी हैं, उन्होंने हमें इसके लिए परमिशन दी। और मैं विशाल जी का और अपनी सारी टीम का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि लोगों ने बहुत मेहनत करके ये काम किया है। तो अब आगे की जो है वो हम लोगों को ही देखना है कि इसको हम कैसे सेफ रख पाते हैं। थैंक यू। हिमाचल प्लस न्यूज के लिए चंबा से दिव्य दीप की रिपोर्ट। बीती यादों से नाता सहेजना सीखा, हाथ थाम कर जिनके चलना सीखा, गिरने लगती जब तो उनसे संभलना सीखा, उनकी डांट से खुद को तराशना सीखा, घर से दूर होकर भी दिल को हमेशा यह एहसास रहता है उनका प्यार और फिक्र हमेशा मेरे साथ रहता है। भूषण ज्वेलर्स, अनमोल रिश्तों के लिए।